हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो गए। शानी मिश्री ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज, मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और गाइज, आप मेरे चैनल मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो बिल्कुल भी, मेरे ब्लॉग में व्यूज़ ही नहीं आते हैं। और बस मैं बनाई जा रही हूँ, कोई आना आज ना तक कल तो कोई देखेगा ही। चलो गाइज, तो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट, ठीक है? तो आप सबको पता है कि कल जन्माष्टमी है और आज हमारे घर में बन रही है मिठाई। बाहर मम्मी बना रही है गोला की मिठाई, तो आज मम्मी बना रही है गोला की मिठाई और मैं घिया कस रही हूँ। घिया की लौज सुनिए आपको, तो हमारे बनेंगे घिया की लौज और मम्मी ने मिठाई बना भी दी है और मैं घिया कस रही हूँ, फिर उसका मम्मी लौज बनाएगी, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको फुल रेसिपी तो नहीं दिखा पाऊँगी शायद, क्योंकि मुझसे मम्मी के सामने ब्लॉग नहीं बनता, ठीक है? बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ दिखा पाऊँ, ठीक है? और मम्मी अच्छी बना रही है मिठाई। चलो गाइस, मिलेंगे थोड़ी देर में। गया कद्दूकस कर लेती हूँ, मैंने मम्मी कहेगी कद्दूकस ना बना, ठीक? आप सब ने क्या बनाया है कमेंट करके बताना। हमारे घर में तो ये बन रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो ये बनाओ मिठाई और ये घिया की लौज। अब कोई नेक्स्ट चीज़ बनती होगी तो मैं समय बाद बताऊँगी आप, अभी मुझे भी ना पता क्या बन रहा है, ठीक है? बाय। हाय गाइस, तो गाइस मैंने घिया कस दिया है और एक गोल वाला घिया है जो गोमन में होते हैं पिटवाड़ा में वाला घिया है, गोल वाला वहीं से आया ना भाई दीदी के से, तो यू वाला घिया है गुड़ वाला। और अब मैंने घिया कस दिया है और अब शाम हो रही है और मैं थोड़ी देर पहले ही सोती उठी चाय पी के, फिर मिठाई बनाने लग गई। शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना। और देखो, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, ठीक है? एक घिया था गोल वाला, वही कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि हमारे घर में ना मैं ही खाती हूँ बस घिया के लौंज, या मम्मी खा लेंगे थोड़ी बहुत, बाकी सारंस के डैडी भी नहीं खाते हैं और सारंस के पता नहीं है, मतलब इन्हें कोई राजी होकर ना खाता सिवाय मेरे, क्योंकि हमारे घर ये बना करी हमारे साथ, मतलब हमारे हाँ हमारे मायके में ये वाली बर्फी या मिठाई जो भी है ये बननी जरूरी ही रहे, तो ये वाली आदत पड़ी हुई है अभी हमें घिया की लौज की। बाकी और कोई खुश होकर खाता हूँ मैं, ये खाऊंगी, ठीक है? तो चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। बाय गाइस। हाय गाइस, तो क्या कर रहे हो? देखो मैं तो स्लब पर बैठ के बेसन चला रही हूँ। तो गाइस, मम्मी ने मिठाई बना दी और यहाँ की मिठाई बना दी और क्या बनाया, आटे के लड्डू बना रही हैं और अब बेसन में भून रही हूँ, क्योंकि आप भूनने में मोटे बैठ जाना है ना। तो गाइस, बेसन भूनने में काफ़ी टाइम लग जाऊँगा, वो जब तक घूम रहा था कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे, तो सोचो मैं कितना पहुँच जाता। मैं सिलप पे बैठ गई, सिलप पे बैठ के आराम से गाइस, आप सब क्या बना रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, और जितने मम्मी ने मिठाई वगैरह बनाई थी ना, जितने मम्मी ने मिठाई बनाई थी इतने मैंने काम पता कर लिया, झाड़ू कपड़े भी धोए थे, पूजा होता सब हो गई है, बस अब लड्डू बनाने के बाद फिर खाना ही खाएंगे, फिर और कुछ। तो भाई सभी मेरे को ऐसे ही कंटिन्यू चलाना है, मेरे हाथ भी दुख लगे किस किस को बनाने आते हैं बेसन के लड्डू, अगर जा लो खा लो अभी बनने ना होगा बन ही जाएंगे थोड़ी देर में, जब बना रहे तो बन ही जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ बेसन के लड्डू खाने के लिए और तीन चार तरह का आइटम है कुछ भी खा लो, ठीक है? इसमें चिपक जाता है बार बार, कढ़ाई थोड़ी छोटी है ये, मम्मी ने ज़्यादा बेसन करवा दी, बड़ी कढ़ाई में रखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी कढ़ाई में
कैसा दिक्कत कर रहा है। गाइस मिलेंगे थोड़ी देर में, देखती हूँ कितना पैसे बनता है। ठीक है, और आप सभी बना रहे हैं मेरे अपने ट्रेनर में, क्योंकि त्यौहार ही है यहाँ पे सभी। ठीक है गाइस, दिखा रहा हूँ छोटी कढ़ाई है बस, वही हो गई। चलो मिलेंगे थोड़ी देर में। सो हाय गाइस, मैंने अपना बेसन भूल लिया है। ठीक है, बड़ी देर में जाके भूला, मेरा कंधा भी दुख लगा ऐसा। ओके, तो मेरा बेसन भून चुका है। देखो बेसन भूनने के बाद कुछ ऐसा हुआ, अभी ठंडा हो रहा है, ठंडे होने के बाद लड्डू बनेंगे। ठीक है, और देखो ये हमारी मिठाई है, दिख रही है ना। ठीक है, इसमें हमारे लड्डू हैं, पता नहीं किस चीज़ के बनाए मम्मा ने। ओ ये रे मावे के लड्डू, ये सारे इसके डैडी के फेवरेट है, मावे के लड्डू। बस मतलब ज़्यादा वो ही खावा है इन्होंने, बाकी और हमारे घर में सबके अलग अलग डिमांड है। मतलब जैसे कि मेरे घी की लॉज सांस के डैडी के मावे के लड्डू, मम्मी के बेसन के लड्डू, मंजीरी हम सब खा लेंगे। तो इस चक्कर में हमारे घर में हो गया है सबका डिमांडिंग काम। ठीक है, कोई बात बुरा मत मानो कि मेरे लिए वो नहीं बना रही है, नहीं बना, सबके लिए सब चीज़ बन चुकी है। ठीक है, अब मम्मी फिलहाल गई है बाहर घूमने के लिए, इतना ठंडा होगा फिर मम्मी आगे ने लड्डू बना देगी, इन्हें शायद बुरा भी मिलेगी अभी शायद, मुझे पक्की ना पता। ठीक है, तो गाइस अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाने में मुझे क्या बनाना है मैं ये सोचती हूँ। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ तो हो ही गई, रसोई वसोई सब साफ़ हो चुकी है, बस अब खाना बनने की देरी है, क्योंकि वो का भी टाइम हो चुका है, 8 बज रहे हैं। ओके गाइस, चलो अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी और मैं आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय, मैं फ्रिज में देख रही थी क्या सब्जी पड़ गया। चलो ठीक है गाइस, ऊँट वाला आगा और बच्चों कह लगे ऊँट पर झूलेंगे, झूलेंगे नहीं घूमेंगे, हमने बोले ठीक है घूम लो। जैसे ऊँट नीचे बैठा तुरंत भाग गए दोनों, कि नहीं मैं तो डर लग रहा हूँ फिर न बैठे, अरे तक हम मना कर रहे हैं, जब तक कह रहे नहीं हम झूलेंगे झूलेंगे, जैसे हमने कहे। तो चलो गाइस ये बातें तो होती रहेंगी, मैं खाने का कर लेती हूँ। ठीक है, हाय गाइस, तो गाइस मेरा काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैंने खाना वाना बना भी लिया और खाना वाना खा भी लिया है। ठीक है, मैं फ्री लेट रही थी तो मैं ये मेहंदी के की पड़ी थी, तो मैंने ऐसी अट्टे सट्टे सी अपनी मेहंदी भी लगा ली है। ठीक है गाइस, और मम्मी ने वो बेसन के लड्डू भी बांध दिए। ठीक है, मतलब सारा काम हमारा हो चुका है, फ्री ख़त्म, अब हम फ्री बैठे हैं। ये मेरी मेहंदी भी लगने के बाद बहुत देर हो गई है, अभी सूख भी गई है, मैंने अपने आप नहीं लगा ली है, जैसे भी मेरे से लगी पड़ी हुई कीप एक दिन बहुत दिन की, तो मैंने ये लगा लिया। तो गाइस चलो इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। ठीक है, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, क्योंकि मेरा ब्लॉग तो जन्माष्टमी के बाद ही आने वाला है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, और मैं कुछ कहना चाहती थी बट मैं भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। आप सबने क्या क्या बनाया कमेंट करके जरूर बताना, हमने भी जो बनाना था वो बना लिया, और कल का कल देखेंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। और गाइस मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ऑन शेयर करो यार, शेयर भी कर दो किसी के। ठीक है, बाय।